इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। सर, ये मुझे बताइएगा, PIA के तैयारे के साथ जो कुछ हुआ वो तो महज एक रुख है तस्वीर का, लेकिन दूसरा रुख भी है उसे एक तस्वीर का जो दिखाना मकसूद है। सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे टाइटैनिक को डुबाने के लिए हमारी पिछली हुकूमतों ने, जिसमें आपकी हुकूमत भी जिसको कहते हैं बाज़ाब्ता तौर पर शरीक थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खातिर खा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एक इदारे में जहां 100 अफराद की मिसाल के तौर पे गुंजाइश है, आपने वहां 100,000 आदमी भर्ती कर दिए। उस इदारे का यही होना था जो हुआ, ये अलग बात के वजीर हवाबाजी ने जो कुछ किया वो आपकी तमाम तर अयूब को ढांप गया। वजीर हवाबाजी पर न जाते हुए अपनी खामी और कोताही का, जिसने हमें एक नेशनल डिजास्टर से दो चार कर दिया, किस तरह से आप जवाब पेश करेंगे? अरफीन सदीकी साहब, मैं आप पहले समझता हूँ कि बजाय कि हम ये कहें कि वो पार्टी ने ख़राब किया और हमने ठीक किया, अक्सर तो यही कहा जाता है। इसमें कोई फ़र्क भी है, हर पार्टी की परफॉर्मेंस में फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, मैं हमेशा पाकिस्तान की बात करता हूँ। पिछले 30-40 साल में आप देखिए कि 1990-30 साल पहले इंडिया की मईशत हमसे 4 गुना थी, आज 10.5 गुना हो गई। इसमें किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे 30 साल का मामला है, जिसमें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल पार्टी की भी रही, हमारी भी रही और अभी PTI की नायल हुकूमत भी है। एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्म हमने किया आपके सामने, PIA एक बेहतरीन एयरलाइन थी, हमने PIA ने सिखाया सारी गल्फ की एयरलाइनों को, और जब हम जाते थे वहाँ ट्रेवल ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज वो बात करते हुए शर्म आती है, दुनिया में हमारा मकाम कहाँ रह गया। तो ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये हम सब कौम का। कभी ये भी सोचा करें कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, क्रिकेट टीम ने आज जो परफॉर्म किया आपके सामने, हॉकी हमारी एक बेहतरीन गेम थी, हर यानी उसमें टूर्नामेंट में हम नंबर 1 होते थे और बड़ी लीड से होते थे। लेकिन सर, इस तरह से अगर हम उमूमी तौर पे सारी बातों को इधर उधर कर दें, का मतलब ये नहीं है कि हम सरफ नजर दानिस्ता दीदा और दानिस्ता करने के खाहां हैं, जस्ट बिकॉज के कहीं शरीफों पर कोई हर्फ ना आने पाए। सर, आप पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, सर तस्लीम खम, खैर मकदम है आपके इस जज्बे का, लेकिन नौकरियां तो फराहम करेंगे जैसा जवाज घड़ के अगर एक इदारे को कुआं खोद करके और आपने उसमें गर्क कर दिया तो FIR तो काटना बनती है ना। आप उमूमी तौर पे पाकिस्तानियों को कैसे इस एक जुर्म में शरीक कर सकते हैं? नहीं, आप दुरुस्त कह रहे। देखिए नूरुल फैज, हम बहुत अरसे से, जब से पिछले ये प्रोग्राम शुरू होते हैं, हम एक जो मैं मुस्लिम लीग का हूँ तो मैं कहूँगा मुस्लिम लीग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और PTI बहुत ख़राब है। देखिए, वो परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर है कुछ जो मैार, लेकिन हम ओवरऑल कहाँ रह गए। मैं चाइना गया 1972 में, वहाँ उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, एक ब्लू शर्ट पहनते थे और ब्लू एक कपड़े होते थे। सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, वक्त की इंतहाई शदीद किल्लत का मैं शिकार हूँ, मैं माजरत ख्वाह हूँ आपकी तरफ मैं आता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर अब हम बात कर लेते हैं आपके सूबे जहाँ बैठे उस्मान बुज़दार साहब की, नाम नेहाद वसीम अकरम प्लस एक मरतबा फिर ईमानदारी का राग अलापने लगे हैं। मामला कुछ भी हो लेकिन आप समझ रहे होंगे, मेरे सरकार अपने होने का जवाब देते नहीं थकते, कहते हैं कि तरक्की का सफर जारी रहेगा। हुजूर, शायद आपको यकीन ना आए लेकिन मैं हालिया दिनों में ही पंजाब से होके आया हूँ, वो गद्दार मोटरवे मैं उस पर सफर करके आया हूँ, हालांकि पहले भी गया था लेकिन इस मरतबा ये है कि मैंने शरीक सफर से ये जरूर कहा कि भाई ये वफादार लोगों ने कोई मोटरवे वगैरह अगर बनाई है तो वो दिखा दो, कोई छोटा सा पार्क बनाया हो तो वो दिखा दो, कोई अगर ट्यूबवेल लगाया हो तो वो दिखा दो, लेकिन जो मेरे मेजबान थे वो काणे हो गए इस एक ऑफर पे। कुछ फरमाइएगा सर, कब तक पिछलों को कोस करके और अपनी रोजी हलाल करने की कोशिश जारी रहेगी? अगर आपने फरमाना कहा तो फिर मेरे फरमान को सुनिएगा भी। आप वो दादी अम्मा है जो किचन में बैठी होती हैं, बजाय बच्चों को खाना खिलाने के खुद सारा खाना हड़प कर जाती हैं, क्योंकि आप जितना गुफ्तगू फरमाते हैं उतना सुनते नहीं है। पंजाब में वो तमाम मनसूबा जात जो सबका अखबार में थे, भले
वो फायदा मंद थे या इस पंजाब के 12 करोड़ लोगों के हुकूक पर डाका डाला गया था। पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में इमरान खान और उस्मान बुज़दार पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने मंसूबों को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। कौन से मंसूबे? तकमील तक पहुंचाया। कौन से? माजी में ये होता रहा। सुने 6 नई यूनिवर्सिटीज का कयाम अमल में आया इसी सूबे में, 10 नए हॉस्पिटल बन रहे हैं इसी सूबे में, पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं एजुकेशन में ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग हुई इसी सूबे में, 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया इसी सूबे में, इसी सूबे ने अच्छा इसी सूबे में लाहौर पंजाब का हिस्सा है। सर एक सेकंड, लाहौर पंजाब का हिस्सा है जिनकी लाहौर कराची जैसा बनने जा रहा है, लाहौर से कचरा नहीं उठ पा रहा है, और आप मुझे बता रहे हैं कि लोग यूरोप की शहरियत तर्क करके लाहौर सेटल्ड हो रहे हैं। सर पानी कहीं रखा है तो जरा पीजिए ताकि शायद थोड़ा सा कहते हैं औसान बहाल हो। मैं तो वो दादी अम्मा जरूर हूं जो बच्चों का खाना चट कर जाती हैं, लेकिन आप भी मुझे वो सामरी जादूगर लग रहे हैं जो जो नहीं है वो दिखाने की मुझे कोशिश कर रहा है। सर ठीक है कि आप उस्मान बुज़दार के आप समझ रहे हैं मुशीर हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो ये प्रोग्राम देख ही रहे हो, जरूरी तो नहीं कि इसे खुशामद के एवज में आपको वो ओहदा मिल ही जाए, वो जाहो मनसब आपको मिल ही जाए जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के इस एंकर का मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, इसका एक अलग तरीका है, अलग बोलने का स्टाइल है जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है इंडिया में, और आपको पता है ये इंडिया में काफ़ी फेमस है। ये थोड़ा सा टॉन्ट मारता है, थोड़ा सा ट्रॉल करता है बड़े ही अद्भुत तरीके से, तो थोड़ा सा मज़ा आता है लोगों को। आपको बता दें जो इसके साथ पाकिस्तानी मीडिया में जो पैनलिस्ट बैठे थे बुज़ुर्ग, वो हालांकि सच बोलना चाह रहे थे लेकिन समय की कमी से इस एंकर ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने बोला कि 30 साल पहले तक भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से जस्ट 4 गुना आ गई थी, ये सच है। और ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी था, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी 1987 में लगभग एक सी थी, लगभग ये पूरे एशिया का हाल ही था। लेकिन आपको पता है इंडिया और चाइना की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है, और इंडिया से बहुत ज़्यादा ग्रो की है चाइना की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत पीछे था, और अब बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। तो पाकिस्तान में जो हुआ है उसके पीछे ये बुज़ुर्ग बताने की कोशिश कर रहे थे कि बेसिकली इसका रीज़न है मिलिट्री, वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस एंकर ने समय की कमी के कारण उन्हें टोक दिया और उन्हें बोलने नहीं दिया। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो 1947 से अभी तक जो हाल है, आर्मी ने जो किया है, पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को लूटा है और बाहर जाकर अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, जैसे आपको पता होगा अभी जो आसिफ बाजवा हैं जो जिनकी 100 पिज़्ज़ा शॉप अमेरिका में है पापा जोन्स नाम से, और वो स्कैंडल भी सामने आया था जिसके बाद उन्हें वहीं के लोग ट्रॉल करने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान को जिस तरीके से उनकी आर्मी ने पाकिस्तान की बैंड बजाई है, इसमें और कोई दो राय नहीं है। भारत में ऐसा कुछ होता नहीं है, भारत में भी करप्शन है लेकिन आर्मी का इतना रोल नहीं होता है पॉलिटिक्स में। आपको भी पता है पाकिस्तान में टोटल आर्मी का ही रोल होता है पाकिस्तान को चलाने में, किस तरीके से उनको लूटा जाता है, तो ये बड़ा डिफरेंस है। और चाइना की तो बात कर ही नहीं सकते, चाइना डेमोक्रेसी ही नहीं है, चाइना का एक अलग केस है, ना वहाँ मीडिया है ना कुछ है, तो वहाँ जो कुछ होता है उसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है, बस पता चलता है तो वहाँ का जो आप देख रहे हैं वो सब। तो दोस्तों पाकिस्तान के इस बुज़ुर्ग ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।